हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉलपेपर चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लूना क्लासिक बर्न के बारे में। तो एक्चुअल में ये बर्न ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे पास जितने भी लूना क्लासिक पड़े हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी और उसी से हमें कुछ ना कुछ वापस मिलने वाला है। क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे पास लूना था, जो कि ये स्प्लिट होने से पहले था, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, वो तो अभी नहीं रहा। इवन कुछ ऐसी एक्सचेंजेस भी है, वजीरेक्स जैसी, जिनके ऊपर अभी तक लूना क्लासिक लिस्ट हुआ ही नहीं है। उन्होंने बहुत महीनों पहले ऐसा कहा था कि वो लिस्ट कर देंगे 2-4 दिन के अंदर, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन एटलीस्ट अगर हमारे पास बाइनेंस के ऊपर पड़ा है तो ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, इसमें बहुत अच्छी पोटेंशियल है। तो आज हम लूना क्लासिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारी रेगुलर बेसिस पर वॉलफिट ऑफिशियल टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप हमारा बाइनेंस ज्वाइन कर सकते हैं, बाइनेंस का फीड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां हम रेगुलर बेसिस पर पोस्ट डालते रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय पुश प्रोटोकॉल, जो हमारे इंडिया का वेब 3 बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, वेब 3 के ऊपर बिल्ड किया गया। तो इस कम्युनिकेशन को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप सभी के लिए कि अभी जो पुश चैट है वो सभी के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। पहले सिर्फ गिने चुने वॉलेट्स के लिए अवेलेबल था, अभी आप भी पुश चैट को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनक्रिप्टेड मैसेजेस रहने वाले, वेब 3 ग्रुप मैसेजिंग भी पॉसिबल हो पाएगी। आज अगर हम पुश इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें डिफाई में कई सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, दाओ में, सर्विसेज में। चेन्स की बात करें तो इथेरियम, पॉलीगॉन और बीएनबी के ऊपर है। इवन एनएफटी मेटावर्स में डिसेंट्रलैंड जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें रीफ जैसे, द ग्राफ जैसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में कोई वेब 3 बेस्ड प्रोजेक्ट जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा हो वेब 3 में या फिर क्रिप्टो स्पेस में, तो वो पुश प्रोटोकॉल है। तो अगर आप डैप्स यूज़ करते हैं या फिर डेक्स यूज़ करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे नोटिफिकेशंस नहीं आते। और ऐसे नोटिफिकेशंस पाने के लिए आपको पुश प्रोटोकॉल का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि इसी से आपके वॉलेट्स के ऊपर मैसेजेस आने वाले हैं। एंड हाँ, पुश चैट आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं लूना के ऊपर। तो लूना अगर हम देखें, जो टेरा के नाम से है, इसकी वैल्यू चल रही है करीब $1.5 के आसपास, और जो ऑल टाइम हाई इसका गया था एक साल के अंदर, ये $20 तक गया था, $19.5, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। यानी कि इससे एटलीस्ट इतना पता चलता है कि आने वाले समय में जब भी बुल रन आएगा तो ये कॉइन हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये बात तो हम लूना की कर रहे हैं। तो लूना लगभग सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, चाहे हम बाइनेंस की बात करें, करेकन की बात करें, क्यूकॉइन की बात करें। अब हम बात करेंगे क्लासिक के बारे में, यानी कि टेरा क्लासिक या लूना क्लासिक के बारे में, जिसकी वैल्यू 0.0001 के आसपास चल रही है, यानी कि 1 सेंट भी नहीं है, बहुत कम वैल्यू चल रही है। और इसी कॉइन का अगर हम ऑल टाइम हाई देखें एक साल का, तो ये $119 दिखा रहा है। और ये वो प्राइस है जो इसकी नई चेन बनने से पहले था, यानी कि पहले इतनी ज़्यादा वैल्यू वाला कॉइन था और उसके बाद कई एक्सचेंजेस ने इसको डीलिस्ट कर दिया। लेकिन हमारे पास बाइनेंस के ऊपर लूना क्लासिक है LUNC के नाम से, तो आपको भी ये कॉइन मिला होगा। और पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि ये कॉइन हमें अभी थोड़ा सा ही मिला है, आने वाले समय में इसकी वेस्टिंग होने वाली, यानी कि हमें रेगुलर बेसिस पर, मंथली बेसिस पर भी ये कॉइन मिलने वाला है बाइनेंस के ऊपर। और बाइनेंस इसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जितनी कोशिश कर रहा है बाइनेंस उतना शायद कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। तो अभी क्या है कि लूना क्लासिक का बर्न पहला जो बाइनेंस ने किया था वो बहुत पहले किया था, अब उसके बाद 2 अप्रैल को एक और लूना क्लासिक का बर्न होने वाला है। तो बर्न का अगर आपको नहीं पता, तो बर्न से क्या होता है कि इसकी जो सप्लाई है वो कम करी जाएगी, जिससे क्या है कि कुछ कॉइन्स जो डाले जाते हैं किसी अननोन वॉलेट के ऊपर ताकि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है वहाँ से कॉइन्स ख़त्म हो जाते हैं और डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। तो रिसेंटली अभी 7th बैच फिनिश हुआ था लूना क्लासिक बर्न का, जिसमें 8.9 बिलियन लूना क्लासिक टोकन्स को बर्न किया गया था। तो अभी हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अभी 2 अप्रैल को फिर से ये बर्न होने वाला है। तो इसी के बेसिस पर हमें एक छोटी सी रैली देखने को मिल सकती है लूना क्लासिक में। और अगर हम टेक्निकल्स के ऊपर जाते हैं, इसकी जो लोकल सपोर्ट है वो 0.00016 है, जिसके आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि शायद सपोर्ट ब्रेक हो जाए, क्योंकि अभी मार्केट के हालात थोड़े बुरे चल रहे हैं, लेकिन यही इसकी क्रूशियल सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्या कि अभी बाइंग प्रेशर ज़्यादा आएगा। जो प्राइस अभी करंटली चल रहा है 0.0014 के आसपास, यहाँ पे बाइंग प्रेशर होने की वजह से हम एक माइनर सा बुलिश पुलबैक देखने को मिल सकता है, और उसके बाद डाउनफॉल भी पॉसिबल है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो अभी 0.00018 के आसपास है, जो अगर क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद बहुत ही अच्छी हमें रैली देखने को मिल सकती है।
लेकिन हम इस बर्न की वेट करेंगे क्योंकि ये बर्न बहुत अच्छा प्राइस मूव हमें दिखा सकता है। तो अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि BNB, WazirX के बारे में या कोई भी कॉइन है, आप एक बार नीचे कमेंट जरूर करना, मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। और बाइनेंस के ऊपर ऑलरेडी मैं सारे फीड डाल रहा हूँ, बाइनेंस फीड का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में, तो जब आप बाइनेंस खोलोगे सबसे ऊपर वहीं पर आपको हमारी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।